दोस्तों, कतर में नई स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए अवार्डेड की गई है। सारे स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के और स्कूल्स वाले। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अप्लाई करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप से गूगल या क्रोम को ओपन करना है। वहाँ पर आपने लिखना है, गूगल ओपन करने के बाद पी ए के पाक जो ALERTS पाक जो अलर्ट्स, ये लिखकर आपने सर्च करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान 2021 पाक जॉब अलर्ट्स। जैसे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, इसको आपने क्लिक करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। जैसे ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, आपने पहले नंबर पर लिखा हुआ होगा कतर स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ आपने रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद अगेन आपने नीचे चले जाना है। जैसे ही नीचे जाएंगे, इसमें मुकम्मल डिटेल्स बताई गई हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ डिप्लोमे और मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की कोई लिमिट नहीं है, मल्टीपल स्कॉलरशिप अवार्डेड की गई हैं। और इसमें फील्ड्स वगैरह कौन कौन सी हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी, ये मुकम्मल डिटेल्स बताई गई हैं फील्ड्स की। अप्लाई करने का तरीका क्या है, सबसे मेन क्वेश्चंस पे आते हैं अप्लाई करने का तरीका। तो इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को अपने फिलअप करके उसके साथ तमाम तरह अपने डॉक्यूमेंट जोन से हैं वो भी अटैच करके 22 अक्टूबर से पहले पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। कहीं भी आपको ये डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे दिया गया रेड में लिंक, इससे आपने अप्लाई करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कतर स्कॉलरशिप्स, ये भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले नीचे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये दिए गए हैं, बाकी नीचे आपने मुकम्मल डिटेल्स ले लेनी है। अप्लाई यहाँ से होगा, तो यहाँ से अप्लाई कैसे होगा इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली एक साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ये कुछ इस तरह की साइट। जैसे ही आपके सामने ओपन होगी, आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना है। आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर आप देखें कि अप्लाई टू QU लिखा होगा आपके सामने, अप्लाई टू QU, अप्लाई टू कतर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज आपके सामने ओपन होगा, ये देखिए मुकम्मल एप्लीकेशन प्रोसेस इन्होंने बताया भी हुआ है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा, ये देखें ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद तो ये देखें ये वाला आगे से आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें सिंपल है, सबसे पहले आपने अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। खुद से ही आपने कुछ भी लॉगिन आईडी लिख देनी है, अपनी पासवर्ड लिख देना है और पासवर्ड को अगेन वेरीफाई करके इसके बाद आपने ये लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आगे एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको आपने फिलअप करना है। तो ये इसके बाद आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा स्टेप है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर तो समझ आ गई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ डे बाय डे शेयर होती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।